जिंदा व्यक्ति को मरा घोषित कैसे कर देंगे आप? आप लोगों को इस बात का एहसास है कि कितना गलत सोशल मीडिया पर अब इस तस्वीर के जरिए मैसेज वायरल किया गया था, अब इसके जरिए तो बाकी चीजों पर भी सवाल उठेंगे कि नहीं? भारतीय जनता पार्टी इन्हीं तस्वीरों के जरिए सवालों के घेरे में है। संबित पात्रा, गौर से देखिए, ये मेरे सहयोगी हैं सुब्रतो, और उनकी तस्वीर को लेकर आप लोगों ने सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीर चिपकाकर बकायदा ये लिख दिया कि आपके कार्यकर्ता मारे गए हैं टीएमसी के गुंडों की ओर से, जो हमला किया गया है। अब इसके बाद इस तस्वीर को जरा आप गौर से देखिएगा। इसी वजह से ममता बनर्जी की ओर से बार बार ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि दरअसल अब्रो बनर्जी, मेरे सहयोगी की यह तस्वीर आप देख पा रहे हैं, और इसी वजह से पश्चिम बंगाल की सरकार आरोप लगा रही है कि दरअसल फेक न्यूज का सहारा ले रही है बीजेपी की आईटी सेल। यहाँ अब्रो जी मौजूद है, अब्रो जी इंडिया टुडे के पत्रकार है। उन्होंने एक आर्टिकल लिखा कि किस प्रकार से 6 लोगों की हत्या हुई है और किस प्रकार बंगाल में धू धू करके वायलेंस हो रहा है। बीजेपी के बंगाल के आईटी सेल ने एक वीडियो बनाया जिसमें अब्रो बनर्जी के उस आर्टिकल का जिक्र किया गया और जिन लोगों की हत्या हुई थी उन लोगों का नाम लिखा। एक व्यक्ति है सीतलकुची से जिनका नाम है मोनिक मोइत्रा। मोनिक मोइत्रा जी की मृत्यु हुई थी, उनकी हत्या हुई थी गलती से, क्योंकि इन्होंने आर्टिकल लिखा था। वो आर्टिकल का जो तस्वीर था वो तस्वीर मोनिक मोइत्रा के जगह इनकी आर्टिकल दिखा दी। तुरंत भारतीय जनता पार्टी ने उसके बदले लिखा कि मोनिक मोइत्रा के जगह गलत फोटो दिखा दी गई है और उसको रिप्लेस किया मोनिक मोइत्रा के डेड बॉडी के फोटो के साथ। एक चीज है कि अगर ये वीडियो वॉज अबाउट अ मर्डर और सी रेप को लेके अगर ये वीडियो होता एंड अगर ये एक्यूज के जगह पे मेरा और किसी और का पिक्चर अगर यूज होता तो व्हाट वुड हैव हैपेंड, क्या होता तब? केंद्रीय मंत्री अगर अपने कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने के लिए जाता है तो भीड़ उसको घेर लेती है, उसकी गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए जाते हैं, जो पुलिस की टीम उसके साथ चल रही होती है उसके उनकी गाड़ियों पर पथराव किया जाता है। ये कौन सा समन्वय है पश्चिम बंगाल का? उन्होंने एक चीज बोली कि भाई मुरलीधर सर को तो कोई जानता नहीं है बंगाल में, वो कौन से केंद्र मंत्री है, क्या पोर्टफोलियो उनका। लेकिन उन्होंने बोला कि बीजेपी के शायद गाड़ी को देख के वहां के लोग उग्र हो गए। उग्र होना गलत है, मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं और साथ ही साथ सर ये आप देश को अवगत कराना चाहता हूं। ये आप बताइए, ये बंगाल क्या बाहर है देश के? हमारे यूनियन ऑफ इंडिया के मंत्री बंगाल नहीं जा सकते, वो बाहरी हो जाते हैं, जाएंगे तो आप उनको मार डालेंगे। आप सोचिए, जिनको सिक्योरिटी प्राप्त है, जिनको भारतवर्ष सिक्योरिटी दे रही है, उनके ऊपर अगर इस प्रकार ब्लेटेंट हमला हो सकता है तो एक सिंपल नारी, एक सिंपल महिला के ऊपर, सरस्वती जेना उस लड़की के साथ क्या हुआ? आप सोचिए, ये जो 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 गौरव सरकार नामक लड़का जो मारा गया, अभिजीत सरकार जो मारा गया है, ये जो साधारण लोग थे, आप बताइए उनके साथ क्या हो रहा होगा अगर मंत्री के साथ ये हो रहा है। मुंबई सबसे ज्यादा प्रभावित शहर था, अभी भी है कोरोना से। ऑक्सीजन इस कोरोना में सबसे महत्वपूर्ण है, वो क्या मुंबई ऑक्सीजन मॉडल या महाराष्ट्र ऑक्सीजन मॉडल है जिससे आपने इस पर काबू पाया, जिससे दिल्ली को आज सीखना है? मुख्यमंत्री हो, सरकार हो, सभी ने ये तय किया कि कितनी भी टीका हम पे होगी, लेकिन हम सबसे पहले जंबो कोविड सेंटर्स बनाएंगे, जो महाराष्ट्र में मुंबई में जो गरीब आदमी है, ये सारी व्यवस्थाएं मुफ्त है, टेस्टिंग से लेके, इलाज से लेके, चाहे रेमडेसिविर हो या अंतिम स्टेज पे कोई पेशेंट चला जाए उसको टॉसिलीज़ुमैब लगाना पड़े 40,000 का इंजेक्शन, ये सारी सेवाएं हमने मुंबई शहर में, महाराष्ट्र में गरीब आदमी के लिए मुफ्त की है। और निश्चित रूप से जब चीज़ें दुरुस्त की गई, पहले से तैयार हम रहे, तो हम चाहे आंकड़े हमारे 50-60 हज़ार के दरमियान रहे, लेकिन कहीं आपने एक खबर ये नहीं देखी कि ऑक्सीजन के लिए कोई परेशान है या अस्पताल में भर्ती होने के लिए परेशान है। पहली बात तो मैं बधाई देता हूँ शिवसेना की सरकार को, उद्धव ठाकरे साहब को, जिनके बारे में हम लगातार बहुत अच्छी चीजें सुनते हैं। उन्होंने अगर कोई नया मॉडल ऐसा इजाद किया है जिससे इतनी राहत मिल रही है तो हम उनका अभिनंदन करते हैं, उनसे जरूर सीखेंगे। किसी अच्छी चीज से सीखने में कोई गुरेज नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ दुनिया के जिस भी कोने में कोई दुश्मन भी कोई अच्छा काम कर रहा हो, उससे सीख लेकर हम अपने देशवासियों की जान बचा सके तो सीख लेनी चाहिए। लेकिन मैं बस एक चीज कहना चाहूंगा, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है, और अगर हमें सिर्फ आंकड़ों से जाऊं सईद भाई, मुंबई और दिल्ली की स्थिति जो ऑक्सीजन के संदर्भ में है, ऑक्सीजन की खपत के मामले में, वो कंपेरेबल नहीं है। कंपेरेबल इसलिए नहीं है क्योंकि दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन बेड वालों की संख्या दुगनी है बंबई से,
आईसीयू बेड की संख्या दिल्ली में मुंबई के कंपैरिजन में 3 गुना है। आरटीपीसीआर टेस्ट दिल्ली में महाराष्ट्र के मुकाबले नहीं बंबई के मुकाबले ज्यादा होते हैं। और सबसे अहम चीज सहित भाई, महाराष्ट्र के अंदर ऑक्सीजन बनाने वाले प्लांट्स हैं, इनको किसी और राज्य पे निर्भर नहीं होना पड़ता है अपनी ऑक्सीजन के लिए। आबादी के हिसाब से देखिए उत्तर प्रदेश में जितनी ज्यादा आबादी है वो अपने आप में कई मुल्कों के बराबर है, कई बड़ी कंट्रियों के बराबर है, लेकिन जिस तरह से वहां पर मैनेज हो रहा है वो भी अपने आप में काबिले तारीफ है। लाइकवाइज बाकी स्टेट में भी होता होगा, तो एक दूसरे से सीखने कोई मुझे नहीं लगता कोई इसमें, और उसको अगर कहीं उसको कहीं कमियां है और दूर हो जाए तो कोई बुरी बात नहीं। लेकिन मैं आज ये कहना चाहता हूँ जरूर कि देखिए आज प्रधानमंत्री ने जिन्हें फिर से समीक्षा की उन स्टेट्स की जो 12 स्टेट्स की जहां पर 1 लाख से ज्यादा संक्रमित लोग हैं और उनके बारे में जो भी सुविधाएं पहुंचानी चाहिए, जो भी कमियां हैं वो खुद से पर्सनली मॉनिटर कर रहे हैं, पर्सनली उसका ध्यान देते हुए और बाकी जो अधिकारियों से और वहां के मुख्यमंत्री से और बाकी लोगों से संपर्क में रहकर, ताकि एक आम नागरिक को किसी तरह की असुविधा ना हो इसकी चिंता कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में बैठ के स्वयं प्रधानमंत्री खुद कर रहे हैं। और इसके बारे में आपको भी आपने शुरू में अपने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में कहा, और अब जो लोग जो राजनीति कर रहे थे उनको भी समझ में आना चाहिए कि जो कमियां उनके यहाँ पर भी थी उन्होंने कमियां दूर की और जो सप्लाई होनी चाहिए तो वो सप्लाई भी हो रही है। जब कोर्ट ने सरकार से कहा कि अभी तो दूसरी लहर का कहर चल रहा है और तीसरी लहर सामने दिख रही है, लेकिन अभी हम इसी पर अटके हैं कि क्या होना चाहिए, जबकि रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि तीसरी लहर में बच्चों पर भी असर होगा। तीसरी लहर में अगर बच्चे संक्रमित हुए तो फिर सरकार की क्या तैयारी है, क्योंकि बच्चे तो खुद अस्पताल जा नहीं सकते, इसलिए अभी से तैयारी करनी होगी, वैज्ञानिक प्लान बनाना होगा, बच्चों के वैक्सीनेशन के बारे में सोचना होगा। बच्चों के लिए अभी कोई कोरोना वैक्सीन नहीं है और आने वाले दिनों में उन पर खतरे की बात इसलिए भी की जा रही है क्योंकि वायरस जैसे जैसे अपना रूप बदल रहा है अलग अलग एज ग्रुप को निशाना बना रहा है। 2020 की पहली लहर में अधिकतर 50 साल से ऊपर के लोग और सीनियर सिटीजन्स संक्रमण का शिकार हुए थे, तो 2021 की दूसरी लहर में 31 से 50 साल की एज ग्रुप के लोगों को ज्यादा निशाना बनाया, इसलिए अब तीसरी लहर में बच्चों को लेकर बहुत चिंता है। इसमें भी तीसरी लहर को लेकर कई आशंकाएं ऐसी हैं जिनमें 6 से 12 साल के बच्चों को ज्यादा खतरा बताया गया है। इसे लेकर महाराष्ट्र जैसे राज्यों के कान भी खड़े हो गए हैं, जहां जुलाई से सितंबर तक तीसरी लहर आने की बात कही गई है, इसलिए महाराष्ट्र में पीडियाट्रिक कोविड केयर वार्ड बनाने की तैयारी भी चल रही है। हर जिले के कलेक्टर और नगर पालिका को निर्देश दे दिए गए हैं। मुंबई में न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट और पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट की सुविधा वाले अलग कोविड वार्ड बनने जा रहे हैं। मुझे लगता है इसके बारे में जो कोर कमेटी है हमारी या टास्क फोर्स है मिस्टर संजय ओक के माध्यम अध्यक्षता में, वे हमारे को मार्गदर्शन करते आई है। ये स्टेट लेवल का टास्क फोर्स है और केंद्र शासन में ICMR हो या केंद्र शासन के जो भी जॉइंट सेक्रेटरीज होते हैं वो भी मार्गदर्शन करते हैं, तो मुझे लगता है उनका जो भी पीडियाट्रिक खास तौर पर बच्चों के लिए अगर कोई बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन होता है तो उनके लिए किस तरह की तैयारी करना ज़रूरी है, उनका जो भी मार्गदर्शन रहेगा टास्क फोर्स का रहे या तो केंद्र शासन का रहे, हम उसका अनुपालन करेंगे।